श्री यज्ञ मिथिला नरेश के वहाँ से विदा हो जाने पर ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में गए। यज्ञ मंडप को अत्यंत सुरुचि के साथ सजाया गया था। उस भव्य मंडप को देखकर लगता था मानो वह देवराज इंद्र का दरबार हो। देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालरयुक्त आकर्षक वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों ओर फहरते हुए पताके मिथिलापति की कीर्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रत्न जड़ित स्तंभ बनाए गए थे। वेदपाठी ब्राह्मण एवं तपस्वी शांति पाठ कर रहे थे। देदीप्यमान वस्त्राभूषणों को धारण किए राजकुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने वैभव और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक की यज्ञ भूमि में एकत्रित हुए हों। इस सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए जनकपुर की लावण्यमयी रमणियां अपने घरों के झरोखों से झांक रही थी। गर्जन तर्जन करते हुए पिनाक को इस मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की उत्सुक दृष्टि उसी ओर घूम गई। सहस्त्रों व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे। उस विशालकाय वज्र के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का धैर्य छूटने लगा और पसीना आने लगा। पिनाक को यथास्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक अपनी ज्येष्ठ पुत्री सीता एवं उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले, हे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव जी के इस पिनाक नामक धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आए, किंतु भरपूर प्रयास करके भी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर उसे हिला भी न सके। अंत में वे लज्जित हो सिर झुका कर तथा श्रीहीन होकर इस प्रकार अपने अपने आसनों पर लौट गए, जैसे कि नागराज अपनी मनी गंवा कर लौट आते हैं। इस प्रकार एक एक करके सब राजाओं और राजकुमारों को विफल मनोरथ होकर लौटता देख महाराज जनक को बहुत दैख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्मभेदी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्यमान हैं, किंतु बड़े दैख की बात है कि उनमें से कोई भी पिनाक पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। उनकी इस असफलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी शूरवीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता कि अब इस संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा है, तो मैं न तो धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करता और न ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है कि मेरी पुत्री सीता आयु पर्यंत कुंवारी रहेगी। परमात्मा ने उसके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज जनक की यह बात सुनकर उन सभी राजाओं और राजकुमारों ने, जो अपनी असफलता से पहले ही लज्जित हो रहे थे, क्षुब्ध मन से दृष्टि नीचे झुका लिया। राजा जनक के द्वारा की गई इस भर्त्सना का उनके पास कोई उत्तर न था। परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त क्षत्रियों पर लगाया गया लांछन सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी भारी कुटी चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपके ये शब्द सर्वथा अनुचित और सूर्यकुल तथा रघुवंश का अपमान करने वाले हैं।
आश्चर्य है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस कैसे किया। जहां प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ति विद्यमान हो, वहां भी कोई इस प्रकार तिरस्कार भरे शब्द कहने से पूर्व अनेक बार उस पर विचार करता है। फिर यहां तो सूर्यकुल के मणि श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान हैं। आप शिव के इस पुराने पिनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं? मैं बिना किसी अभिमान के कह सकता हूँ कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या है। यदि मैं चाहूँ तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को हिला कर रख दूँ। इस विशाल पृथ्वी को अभी इसी समय रसातल में पहुँचा दूँ। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी भुजाएं फड़कने लगी और उनका संपूर्ण शरीर क्रोध की ज्वाला के कारण थर थर कांपने लगा।